वालेकुम नाजरीन मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर, आपके सामने पेश खिदमत हूँ लेकिन हमारा प्रोग्राम खौफ क्या सच क्या झूठ इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे खौफ के बारे में हमारे माशरे हमारे समाज में काफ़ी सारी गलत फहमियाँ हैं इस टॉपिक इस मुद्दे के बारे में हमारे इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलम दीन जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं जनाब अरशद बशीर मदनी साहब असल वरम्ब वरक सलाम हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन को बताता चलूँ कि शेख साहब ने मदीना यूनिवर्सिटी से आलि फाजिल की डिग्री हासिल की है इनकी स्पेशलाइजेशन है हदीस व फ़िक इसके अलावा इन्होंने एम बी ए किया हुआ है अमेरिकन यूनिवर्सिटी से और इस वक्त पी एच डी कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से पहले हम खौफ के बारे में बात करेंगे जैसे कि आप और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों से डरते हैं खौफ रहता है कोई जिन से डरता है कोई भूत से डरता है कोई आत्माओं के बारे में बात करते रहते हैं तो इस बारे में हम शेख साहब से सवालत करेंगे उससे पहले हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आखिर ये खौफ चीज़ क्या है शेख साहब आपसे पूछना चाहेंगे अलहमदिल्ल रबालमीन व सला तो वसलाम रसूल करीम वहीजमाइन अम्माबाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون خوف کے بارے میں اپنے سوال کیا खौफ तीन तरह के होते हैं। एक खौफ की कस्म वो है जिसको हम कहते हैं नेचुरल किस्म का डर होता है फितरी तौर का एक डर होता है जैसे शेर सामने आ गया तो आदमी को डर होता है तो इस्लामी एतबार से ऐसे किसी भी खौफ पर तनकीद नहीं की गई क्योंकि एक फितरी तौर पर इंसान को खौफ होता है दूसरे कस्म का वो खौफ है जो अकीदे वाला खौफ होता है ये अल्लाह सुबहान तला के अलावा हम किसी और से अक़ीदे के तौर पर हम नहीं डर सकते तीसरे किस्म का वो खौफ होता है जो वहम की बुनियाद पर होता है जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है और आदमी आस्ता आहस्ता खौफ के आलम में लाइफ गुजारने लगता है जिसको हम फोबिया कहते हैं मिसाल के तौर पर एक आदमी को अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं हो तो हम देखते हैं कि वो बाद स्विच ऑफ या ऑन करने के लिए भी डरेगा कि वो पता नहीं करंट मारेगा मुझे नहीं मारेगा लेकिन जिसके पास इल्म होता है वो तो हम देखते हैं कि वो बहुत सारे वायर लगे हुए खम्भों पर भी वो आसानी से चढ़ जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि कब मुझे करंट लगेगा और कब मुझे करंट नहीं लगेगा उसको खौफ कैसे निकल गया मालूम की वजह से तो बाद अवत मालूम नहीं होने की वजह से आदमी ऐसे खौफ में जीता है जिसकी दुनिया में बाहर कोई हकीकत नहीं मिसाल के तौर पर जिनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन और खुराफात, भूत पर बहुत सारी ऐसी तो मालूम नहीं होने की वजह से आदमी ऐसे ऐसे खौफ में मुबला होता है कि जिसका इलाज सिर्फ इल की बुनियाद पर ही किया जा सकता है तो इनशाला हम ये अपिसोड में ऐसे ऐसे मालूम देने की कोशिश करेंगे वो जो बेदा खौफ है वहम वाला खौफ है इन शजाकल्ला तो हम इसका निचोड़ ये निकालें कि खौफ लामी है चलिए शेख साहब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं हमारा अगला सवाल है अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक बनाई हैं इंसान जो अशफुलमखलूक़त है तो इसी सिलसिले में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जिन है क्या ये ख्याल है गुमान है जिन क्या है जिन के बारे में कुछ लोग ये तसुर करते हैं कि ये खुराफात है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग हर चीज़ को जिन और इसी तरीक़े से जादू से ताबिर करना शुरू कर देते हैं और वहम की ज़िंदगी गुजार देते हैं तो हमको दरमिया तौर पर सोचना पड़ेगा और यह इल्म की बुनियाद पर हम इन सही फ़ैसला ले सकते हैं और कर्न मजीद हमको सही इल्मा करता है ऐसे सारे कैफियात तफसलत के बारे में सुर रहमान सूरा की, और जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह सुबह ने अल्लाह <कलिकल> <मिन सलसालिं> <फखार> कह रहे के हमने अल्लाह ने जिनको पैदा किया अंगारे से या मोटे लफ्जों में हम कहेंगे आँख से यानी आँख से जिनको पैदा किया गया इसी तरीके से शुर आराफ़ आयत नंबर बारह के बाद अगर हम पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर इबलीस अपने बारे में जो कह रहा है क़ुरान मजीद में नक़ल किया गया खलनी मनारूँ व अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया और ये आदम तो मिट्टी के पैदा किए गए हैं और आग का काम है ऊपर जाना तो फिर मैं सजदे कैसे करूँ तो इस कॉन्टेक्स में वहाँ पर गुफ्तु हो रही है शुर हिजर शोरा नंबर पंद्रह कि आयत नंबर सत्रह लेकर सत्ताईस तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी है, के हमने जिनों को, आग की जो होती है मोटे में हम आम इंसान को समझाने के लिए के, आग से पैदा किया गया या आग की किस्म से पैदा किया गया इससे पता ही चलता है कि बाकायदा एक मखलूक है और यह मखलूक जो पैदा हुई है आग से पैदा हुई है लेकिन जब हम जिन के बारे में या शैतानों के बारे में जब हम सुनने लगते हैं तो हमारे अंदर अजीब खौफ पैदा होता है लेकिन कुरान का पढ़ने वाला कुरान का जो रीडर है वो खौफ में मुबला नहीं होता क्योंकि कुरने मजीद में सुन बने इसराइल सोम्बर सत्रह के नंबर सत्तर में अल्लाह तरमाने वाल करम ना बनी आदमा यानि पूरे मखलूक़ात अल्लाह ही के हैं अल्लाह के अलावा जितनी भी चीज़ें सब मखलूक़ात हैं उसमें चरंद है परिंद है जिन मला इन सब में अशफ़ल मखलूक़ात क्या है इंसान जब उसको एक तस्वुर दिया जा रहा है कुरान मई पढ़ने वाले को एक तस्वर दिया जा रहा है कि तुमको डरने की ज़रूरत है तुम अशफ़ल मखलूक़ात हो माशा तो ये तस्वुर हम इसके कितने जिम्मेदार हैं क्योंकि जब कोई बच्चा बाहर जाता है तो हम उसे कहेंगे कि मत जा जिन है खौफ पैदा करते हैं बच्चे के जहन में बचपन से लेकर जब तक वो बड़ा होता है तो क्या हमारी ये गलती है कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे पहले तो बात यह है कि बच्चे को यह तस्वर दिया जाए कि हमेशा कि तुम अशरफुलमखलूक़ात का हिस्सा हो जिन और ये शैतान कितना भी तुमको डराएंगे लेकिन अल्लाह ने इन मखलूक़ात पर तुमको एक अपर हैंड दिया है तुम्हारी एक इज़्ज़त है तुम्हारा एक मकाम है तो माँ बाप बहुत बड़े ज़िम्मेदार होते हैं जब बच्चे को डराते हैं कि चलो बूढ़ा आ रहा है या कोई जिन आ रहा है हमको बैलेंस करना चाहिए इस मसले में कि पहले बच्चे को किसी भी तरीके से इस तरीके से ना डराया जाए कि जिसकी वजह से बच्चा वहम वाले डर में चला जाए हाँ जिनसे प्रिकॉशन लिया जा सकता है क्योंकि जिन शरारती होते हैं क्योंकि उनकी सरिश्त उनकी जो तख्लीक़ है वो आग से और आग के अंदर एक कस्म का दरर पाया जाता है तो यक़ीन जिनों से डराया भी जाएगा क्योंकि हम खाम ख्याली में तो जी नहीं सकते दुश्मन से तो डरना जैसे माँ कहती है कि आगे गढ़ा है तो माँ गिरने के लिए कह रही है बचने के लिए बातें बचने के लिए कह रही तो सही इल्म भी दिया जाना चाहिए और अन्य से सही डर भी नहीं डालना चाहिए तो हमारे दरम्यान एक बैलेंस करने की बहुत जरूरत है तो हमारा अगला सवाल आपके लिए है जिन्नात की तख्लीक का मकसद क्या है और आने मजीद में इस सवाल का भी जवाब मौजूद है जब हम पढ़ते हैं सूर्य दारियात शोलह नंबर इक्यावन फिफ्टी वन के आत् नबर फिफ्टी सिक्स में अल्लाए वमा जिन्ना वल खलकुलजन्ना वाल के मैंने जिन्हों और इंसानों को यहाँ पर का वर्ड भी आया मैंने जिन्हों और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरे अकेले की इबादत करें तो मकसद क्या है वही जो इंसान का मकसद बताया गया यानी ये सारे जितने भी मखलूक़ात हैं ये मखलूक़ात हमारी खदमत के लिए बनाई गई सूर जातिया सोर् नंबर पैंतालीस का आत नंबर तेरह में अल्लाह तशात फरमारे वरकुम समावती व मा फिल अर्द जमया मिन आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है ये सब तुम्हारी खिदमत के लिए है। और तुम अल्लाह की इबादत के लिए हो। जैसे इंसानों के बारे में बताया गया वैसे जिन्हों के बारे में बताया गया कि इनका भी मकसद ये है कि वह अकेले अल्लाह की इबादत करें सुरह जिन सोरा नंबर सेवेंटी टू में तो तफसील से बता दिया गया कि व अनना मन्ल मुसलिमून व मन्न अकासतून के, के हम में से कुछ ऐसे हैं जो मुसलमान हैं और हम में से कुछ ऐसे हैं जो नाफ़रमान हैं इससे क्या पता चल रहा है यानी कुछ जिन ऐसे हैं जिन्होंने अपना मकसद पहचान लिया वह अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और जिनों में से ऐसे कई हैं जिनको अभी तक उनका अपना मकसद मालूम नहीं हुआ इसका मतलब निकला कि जिन आज़ाद नहीं है कि इंसान को जैसे चाहे वो नुकसान पहुँचा दे अब्दुल्ला कैटेगरी में उनको भी आना पड़ेगा अल्लाह की ग़ुलामी में उनको भी आना पड़ेगा और अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई कुछ नहीं कर सकता इन सब की डोरी भी अल्लाह सुबहान तै के हवाले है और अल्लाह सुबहान तौला इन पर गालिब है क्योंकि वो अल्लाह के मखलूकात हैं तो जब ये तसवुर मेरे दहन में आता है कि मैं अशरफुलमखलूक़ात हूँ यह भी अल्लाह के मखलूक़ है मैं भी अल्लाह के मखलूक़ हूँ लेकिन कुर मजीद में अल्लाह ने मुझे बता दिया इन सब के ऊपर तुम्हारा अपर हैंड है तो खुद ब खुद कुरान मजीद का रीडर कभी भी ऐसे वहम गुमान वाले खौफ में कभी नहीं जिएगा इनशाला क्यों इसलिए कि उसके दहन में फ़ौन बता दिया कन तुम खैरा उम्मीन सुर आल उम्मी कहते हैं सदस्य बता दे, तुम बेहतरीन उम्मत हो उलाई कहम खैरबरिया जो ईमान लाते हैं नकमल करते हैं ये लोग हमेशा मखलुत में सबसे टॉप पर हैं जब ईमान आ गया अमल आ गया तो ईमान अमल कब आता है इल्म की बुनियाद पर आता है जब कुरान पढ़ता है एक आदमी जब उसको एक तस्वर दिया जाता है कि तुम पर्सनैलिटी लेवल पर तुम पीक पर हो और तुम्हारा मरतबा ज़्यादा है और ये सब डरने वाले हैं तुमसे तो ये तस्वर इंसान को वहमो ख्याल वाले खौफ से बाहर निकाल देता है तो आ, कुछ सवाल बाकी हैं अभी और हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मैसेज आए हैं ऑडियंस की तरफ से तो मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए प्ले करूंगा तो इन आप उसका जवाब देंगे हमारे ऑडियंस के लिए तो पहला मैसेज प्ले कर रहा हूं आपके लिए असल वरहत लरकता हूँ मेरा नाम हुसैन शेख मैं अंधेरी से रहने वाला हूं मेरा एक सवाल है आपसे क्या मरने के बाद लोग आत्मा के रूप में जैसे कि अलग अलग शक्ल में आते हैं क्या इनका सवाल है जो कि एक आम सवाल है बहुत चूँ के जहन में ऐसा रहेगा कि मरने के बाद क्या आत्मा की शक्ल इख्तियार करता है काफ़ी फिल्मों में या फिर सीरियल में देखा गया है तो शायद उस चीज़ की वजह से इनके जहन में बैठ गया है तो आप इस पर क्या कहना कहें अभी भाई ने जो सवाल किया है दरअसल सोसाइटी में कुछ इस टाइप के खुराफात और गलत बातें पाई जाती है कि जो आदमी खुदकुशी करके मर जाता है तो टाइम से पहले चूंकि उसकी मौत आ गई है नौज़ु ऐसी बात कोई नहीं है जो भी मौत आती है वो टाइम पर आती है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि हर एक का टाइम मुखर है उसी वक्त पर मौत आएगी आगे होगा ना पीछे होगा लेकिन लोगों में चूँकि ख्याल है कि खुदकुशी कर लेता है तो टाइम से पहले उसकी मौत आ गई तो उसके साथ उसकी जो रूह होती है वो भटकते रहती है तो क्या ये आत्मा का घरों को आना सताना और ये रूहें जो ख़ुदकुशी करने वालों की जो रूहें घरों को आती हैं तो ये भाई का सवाल उस कॉन्टेक्स्ट में है बड़ी आसानी के साथ हम इसको तोड़ दे सकते हैं इस खौफ़ को कि सूर्य मोमिन शुरह नंबर तेईस के आत्त नंबर सौ सूरह मम सो नंबर ट्वेंटी थ्री नंबर हंड्रेड में अल्लाह सुबहान फरमा रहे हैं वम वराहम बरज़खुन इला योमी युबुन के मरने के बाद रूहें कहाँ चले जाती है उसका जवाब पुरानी मजीद में दिया जा रहा है कि मरने के बाद उनकी रूहें बरजख में चले जाती है अलायम उबासन यानी क़यामत क़ायम होने तक इसका मतलब चला कि दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं दुनियावी एतबार से दोबारा आने का कोई चांस नहीं यह वहम है जैसा कि मैंने कहा ग़लत मालूम की बुनियाद पर खौफ और वहम जो पैदा होता है ये वो कैटेगरी लिहाजा इससे बचना चाहिए हमको जजाकल्ला हमारे भाई को जवाब मिला होगा जो उन्होंने सवाल भेजा तो जैसे कि आपने कहा कि इल्म अवेयरनेस इज़ द की उन्हें जवाब मिला होगा और एट द सेम टाइम उन लोगों को भी जवाब मिला होगा जिन्हें इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि ये एक आम सी बात है बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं तो हम अगले सवाल की तरफ आते हैं शेख साहब तो अगला सवाल है अस्सलाम वालेकुम वरम्ह मतलब वरक शेख मेरा एक सवाल है कि रात के वक्त कोई घर में सो रहा है उस वक्त अगर कोई बिल्ली या कुत्ता आगे रोए तो लोगों के ख़्याल आता है कि मतलब किसी के साथ बुरा आने वाला किसी की मौत होने वाली सच ये बात सच है या गलत आप इसको बताएं यह एक और ग़लत फहमी है आ, समाज में माशरे में कि कुत्ता भोंगता है बिल्ली भोंगती है तो इसका कोई बैड साइन है कुछ ख़राब होने वाला है ग़लत होने वाला है यह किस हद तक सही है वालेकुम अस्सलाम वालेकाम वरम्बरकू भाई ने जो सवाल किया है आ, बहुत ही रिलेटेड है हमारे टॉपिक पर क्योंकि लोगों के खौफ की रातों में जो लोग डर के उठ जाते हैं तो उसमें से एक वजह ये भी होती है कि जब बिल्ली या कुत्ता की अलग किस्म के आवाजें सुनते हैं तो उनके दिमाग में है कि शायद कि अब कोई मलकुल मौत यहाँ से गुज़र रहा होगा जिसको ये लोग देख कर डर रहे होंगे और अब किसी की मौत होने वाली है हम जब कुरान और हदीस में पढ़ते हैं ऐसी कोई हकीकत हमको नज़र नहीं आती जो ये गुमान पाया जाता है ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन हमको ये इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलती है सही बुखारी के अंदर कि वहाँ पर यह बताया गया हर कोई आवाज़ सुनता है ख़बर के अदाब की सिवाय इंसान के यानी इंसान को ख़बर का अदाब जो हो रहा है वो सुनाई नहीं देता तो वो सिर्फ कुत्ता और बिल्ली की हद तक नहीं ख़बर का अदाब अलग चीज़ है और मौत का आना अलग चीज़ है भाई ने जो सवाल किया है वो ख़बर के अदाब के बारे में गुफ्तगु यहाँ पर नहीं हो रही यहाँ पर जो गुफ्तु हो रही भाई ने जो सवाल किया कि भाई क्या किसी की मौत होती है क्या तो इस लिहाज से उस हदीस शरीफ़ के अंदर भी बता दिया जाता कि भाई अगर कुत्ता या बिल्ली की आवाज़ आए तो यकीन है इसका मतलब है कि वहाँ पर मौत होने वाला है ऐसा कोई हदीस में हमको तफसील नहीं मिलती ना कुरने मजीद में तफसील मिलती है ये लोगों का अपना वहमो ख़्याल है जो उन्होंने फैला लिया है जिसकी वजह से काफ़ी परेशान होते हैं अलबत् आपको अगर खौफ किसी चीज़ का बैठ जाता है तो उसका भी एक हल है वो ये है खैरुका वाला कि नबी अक्रम सल्ला वल्लम ने फरमाया अगर किसी को किसी चीज़ से वहम बैठ चुका हो जनरली होता है जब भी ऐसा होता है रात के वक्त पर मैं सुनती हूँ तो किसी न किसी की मौत वाकई हो जाती है और बेचारा कभी आज़माइश के तौर पर ऐसे ही हो जाता है अब उसका यकीन और बढ़ने लगता है नतीजे में वो खौफ मुबतला हो जाता है अब वो ऐसी लाइफ से बाहर निकलने के लिए दुआ है जो मैंने अभी पढ़ी है अगर हम ये दुआ पढ़ लेंगे तो इन इस टाइप के वहम वाली जिंदगी से हम बाहर निकल सकते हैं इन शजातल्ला उन सारे लोगों को भी जवाब मिला होगा जो ऐसी चीज़ें ऐसे खुराफा अपने जहन में रखते होंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं शेख साहब अगला सवाल है असलकम वरक शेख मेरा एक सवाल है अगर जब रास्ते में हम चलते हैं या हमें कोई ठोकर लग जाती है रात में कोई बिस्तर से गिर जाते हैं हम तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं ये दो सवाल किए हैं इन्होंने इसमें कि अगर राह चलते हुए अचानक से ठोकर लग जाए गिर गए या फिर ये सोए हुए हैं बिस्तर से गिर गए क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई भूत वगैरह से नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं ये कहना चाह आदमी को ठोकर लगती है उसके ना देखने की वजह से भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही सबब हो लेकिन आदमी जब सोचने लगता है खौफ करने लगता है किसी चीज़ में डूब जाता है तो उसका जहन पहले वहीं जाता है हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भूत से जिनों से इतना ज़्यादा अपने आप को डराने की कोशिश और अपनी लाइफ को ऐसी ना बना लें कि छींक भी आए जुकाम भी हो जाए शायद जिन की वजह से हुआ होगा अगर कोई हमारे नादानी की वजह से हमारे कम तजर्बे की वजह से हमारे कुछ गलत करने की वजह से कुछ नुकसान उठा लेते हैं हम या बिजनेस में कुछ लॉस आता है तो लोग ले जाकर उसको जादू से जोड़ देते हैं जिन से जोड़ देते हैं ये एक गलती है दूसरी तरफ गलती ये है कि इसका इनकार क्या आता है बाद ऐसा मुमकिन है क्योंकि जिनकी जो सरिश्त है वो आग से है तो जिन तो शरारत करना चाहेगा वो कभी मुमकिन है कि वो आपको ठोकर लगाए वो कभी आपको ढकल दे जैसा कि अबू बकर जाबर अल अलज़ायरी ने एक वाकया ख़ुद उनके अपने ख़ानदान का एक बच्ची ने गर्म पानी फेंका और जब हम गर्म पानी फेंकते हैं तो अक्सर हम बिसमिल्ला कहकर नहीं फेंकते तो नतीजा क्या निकलता है वहाँ पर अगर कोई जिन हो और उस पर वो गर्म पानी पड़ जाता है तो फिर वो बदला लेते हैं इंतकाम के तौर पर नतीजे में फिर उसको ढकलना घर में तकलीफ़ देना ये मुमकिन है पॉजिबिलिटी है लेकिन हर मसले को हर वाक़े को ले जाकर जिनों से और जादू से जोड़ देने से फिर वही खुराफात का सिलसिला शुरू होगा फिर वो वहम वो फोबिया तो पॉजिबिलिटी है तो आप हमेशा दुआएं अल्लाह का जिक्र करने की वजह से जिन आपके करीब आते नहीं हैं जैसा कि कराम लिखते हैं कि कुछ ऐसे ईमान वाले लोग हैं उनसे तो उल्टा जिन और शैतान डर के भागते हैं जैसा कि उमर त के ताला बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फर्मा सही बुखारी की रिवायत है फजाइल में कि तुम वो हो कि जब तुम एक रास्ता लेते हो तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है रहमतुल्लाह रमत के बारे में आता है कि जब उनको पता चलता कि किसी को जिन सता रहा है तो इब्ने तयम रहमत ला कहते थे जाओ उससे जाकर कहो कि इबन तयम आ रहे हैं इलाज करने के लिए तो खाली नाम सुनकर ही उसके बाद वो भाग क्योंकि दुआ कैसी पढ़ने वाले हैं उस दुआ से फिर क्या होगा डर के भाग जाते थे एक मरतबा का वाक़ा है कि इबन तम रहा आ जाकर दुआ पढ़ रहे हैं उस जिन ने क्या कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे डर से इबन तयम रहा आ रुको मेरे डर से नहीं अल्लाह के डर से जाओ जाते आते मेरा खिदा खराब कर रहे हो क्या यानी कितनी बैलेंस बात है इसमें कि मोमिन से भी डरते हैं तो उसकी जात से नहीं मोमिन के अंदर जो ईमान है वो उस ईमान का ताल्लुक किससे? अल्लाह से, अल्ला अल्ला से. तो अल्लाह की मखलूक अल्लाह सुबहान तआला से डरे यही हमारा बेस होना चाहिए यही हमारी सोच होनी चाहिए जैसा शेख साहब मुझे पूरा यकीन है कि आपके इन बातों से हमारे नाजरीन फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग लोगजुदा हैं खौफ ज़दा हैं और उन्हें इस बारे में आपने बताया कि इंसान अशफुलमखलूक़ात है सबको पता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो डरते रहते हैं जिनका अकीदा कुरान मजीद पर है उन्हें अल्लाह के सिवा किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है हम इस गुफ्तु को जारी रखते हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है शेख साहब हमें यकीन है कि हमारे नाज्रीन को इन जवाबात से बहुत फ़ायदा मिला होगा हम आगे इस पर चर्चा करते इस पर गुफ्तु करते लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है हम नाजरन से ये बताना चाहेंगे कि जो स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं वो उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल भेज सकते हैं और जो ई मेल आई डी आ रहा है उस पर भी आप अपने मेल्स अपने सवाल भेज सकते हैं और इन शेख साहब उनके जवाब देंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़ असलकुम السلام عليكم ورحمه الله وبركاته